नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल का मशीनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 4 मार्च 2020 के लिए मैंने बाइसल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा। इंटर 100 ई एम एस स्ट्रेटेजी, जी एम एस स्ट्रेटेजी, इन साइड द बार NR4 NR7 कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सब दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पर देता हूँ, वो भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी से टेक्निक से जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत ही आसान कर देगा। और ये जो मैंने बाइसल लेवल कम स्किनर बनाता हूँ और इसमें क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, कैसे इसमें ट्रेड एंट्री ले सकता है, इसका स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब वीडियोज़ भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें सब्सक्राइब कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने मेरा फ्री ट्रायल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को फ्री ट्रायल दिया जाएगा, जिसमें मैंने ये फाइल पूरा शेयर करता हूँ और ये फाइल शेयर करता हूँ और व्हाट्सएप में कॉल भी देता हूँ। तो वो आप लोग को मिल जाए, आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है और इस सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी इसमें आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा यूट्यूब का वीडियो का लिंक आप लोग को उधर मिल जाएगा, जो देखने से आप लोग को अच्छी तरह से मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, मैंने इधर बाई लेवल सेल लेवल तीनों सेट ऑफ बाई लेवल सेल लेवल बनाता हूँ, बाई लेवल सेल लेवल 1, 2 और 3। तो मैंने इधर से दिखाता हूँ, तीनों दिखा देता हूँ। ये बाई का एंट्री लेवल है, तो बाई सेल लेवल 1 है, बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ रहता है। और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ रहता है। और इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन को कंसिडर करना है, मार्केट डाउन पे होने के बाद कौन से लेवल पे है वो आप लोग को देख लेना है, उसका हिसाब से आप लोग को ट्रेड लेना है। और आप लोग को मैंने मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिए, मैंने उधर चार्ट पे समझा तो आप लोग को मालूम हो जाएगा। ये वाई सेल लेवल 2 है, वाई लेवल सेल लेवल 2, इसमें भी आप लोग यूज़ कर सकता है। इसके बाद वाई लेवल सेल लेवल 3 आएगा, यहाँ वाई लेवल सेल लेवल 3 आप लोग इधर देख सकते हैं। इधर मैंने बड़ा करके दिखाता हूँ, जो ये बाई का एंट्री लेवल R1 है और सेल का एंट्री लेवल S1 है। और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, ये भी बहुत ही हेल्पफुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। और ये बोलिंजर बैंड का मिडिल बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड है, ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड है, इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। और ये टीरन लेवल का टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन है, इसमें भी आप लोग एंट्री ले सकता है। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखाऊंगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का बनाने का टाइम मैंने एक लेवल दे दिया, उसमें उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लेवल्स है, तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकता है। और ये तीनों लेवल भी यूज देख सकता है, तीनों लेवल कॉमन करके भी आप लोग देख सकते हैं, एक ही लेवल देख सकता है। तो आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर और इंडेक्स का मूवमेंट आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं इसमें। और जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो लोग को मैंने टाइम टू टाइम अपडेट भी देता हूँ, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकता है। और जो लोग मतलब इसमें बाइस लेवल 3, और ये पिवट पॉइंट, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, लोअर बैंड, मिड बैंड, इसी को क्लाउड वी डब्ल्यू एफ पी, टॉप लाइन, टीरन लेवल, टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन। और जो लोग इसमें का वो दिखाता हूँ, जो लोग एलिस ब्लू, एस्टर टेट और एंजल वॉकिंग में आप स्टॉक्स में ज्वाइन ज्वाइन हो सक
ज्वाइन करने का ज्वाइन का हो सक ज्वाइन का ज्वाइन होने का इच्छा है तो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया गया है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकता है। ये सब डिस्काउंट ब्रोकर है और किसी किसी का किसी बहुत सारा फैसिलिटीज है, तो ये आप लोग जिसका एंजल आस्था टेट एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स इसमें आप लोग मेरा जो लिंक है उसमें थ्रू में उधर ज्वाइन हो सकता है। कमोडिटी का दिखाता हूँ मैं, उसके बाद कुछ फ्यूचर्स का दिखा देता हूँ। इसका बाय लेवल से लेवल वन ही दिखाता हूँ और इधर मैंने इसके बाद मैंने 100 डे इमेज स्ट्रेटजी दिखाऊंगा। 100 डे इमेज स्ट्रेटजी है कि जिस जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है तो उसको जब कल का ये जब हाई लो ब्रेक होगा तो ये अच्छा मूवमेंट देता है। देखिए एशियन पेंट दिया है, बजाज फिनसब दिया है, आप लोग इधर चार्ट में भी देख सकता है, आप लोग खुद देख सकते हैं, मैंने एक दो देखा देता हूँ। एशियन पेंट देखिए इधर काट किया है, इसका जब हाई लो ब्रेक होता है बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है। एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व, कैडिला हेल्थ, सर डी एल एफ, इक्विटास, ये सब आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मैंने बजाज फिनसर्व दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को मालूम हो जाएगा कि इधर 100 डे मूविंग एवरेज काट हो रहा है, तो इधर देखिए इधर भी काट हुआ है तो ये भी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है ये जब हाई लो ब्रेक होता है इसका। अच्छा इसमें और भी एक चीज़ है, ये है कि गापी स्ट्रेटजी, मतलब गापी मल्टीपल मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। देखिए ये ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म ईएमएस है और ग्रुप ऑफ ये है ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म ईएमएस, तो इसका एवरेज शॉर्ट टर्म और एवरेज लॉन्ग टर्म का जो है ट्रेंड इसका अप है, जो एवरेज शॉर्ट टर्म का अप है तो उसका ट्रेंड अप रहेगा। और जिसमें ये आप लोग इधर जो हाईलाइटेड हो रहा है उसमें आप लोग स्टॉक का नेम नोटिस किया है, अंबुजा सीमेंट आप में आए, बाकी ये सब डाउन में रहा दिखाता है, तो ये सब बायोकॉन ये सब आप लोग को मतलब अपट्रेंड में रहता है। तो उसके बाद उसका बाय सेल लेवल देख के आप लोग एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद इनसाइड द वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी NR4 NR7 दिखाता हूँ। इधर इधर SEC का देखिए, ये सब चार्ट में दिखाने का जरूरत नहीं है, आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं तो आप भी दिखा देता हूँ जो लोग नाना जान को हो सकता है। देखिए वन डे का हिसाब से इनसाइड आ रहा है, ये आज का जो कैंडल है वो अगला दिन का कैंडल अंदर रह गया, मतलब अगला दिन का कैंडल का हाई लो ब्रेक नहीं करवाया, तो इसका हाई लो जब अगला दिन का कैंडल का हाई लो जब ब्रेक होता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। उसके बाद देखिए इधर अदानी पोर्ट में हुआ है, अदानी बोसरा में हुआ है, तो इधर आप लोग चेक कर सकते हैं। एशियन पेंट मैंने सब नहीं दिखाता हूँ और भी मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये देखिए हाई हाई लोस है, ये लोअर हाई लोअर लोस है, एक्सिस बैंक में लोअर हाई लोअर लोस है, इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है और इसका जब लो ब्रेक हो गया तो अच्छा मूवमेंट देखे। देखिए लगातार तीन दिन से लोअर लाइन लोअर लोस दिया है। और इधर देखिए ये डोजी हुआ है बजाज ऑटो में, डोजी डाउन ट्रेंड में बजाज ऑटो तो जी देखिए डाउन ट्रेंड में इसका डोजी बना है, तो ये भी अच्छा एक कैंडल वो टेन कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन होता है। इसका बाद देखिए पॉजिटिव हैमर हुआ है बजाज फिनांस में, कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब स्किनर आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो मतलब ट्रेड लेना कौन सा एंट्री